नेपाल की संसद में विवादित नक्शे से जुड़ा संवैधानिक संशोधन बिल पेश किया गया। विवादित नक्शे में भारत के कुछ हिस्से को नेपाल में दिखाया गया था, जिस पर भारत ने कड़ा एतराज जताया था। लेकिन इस बीच नेपाल के मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने भी ओली सरकार के इस कदम का समर्थन किया, जिसके बाद आज इस बिल को संसद में पेश कर दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 की बैठक को सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। ट्रंप G7 की बैठक में भारत को भी शामिल कराना चाहते हैं। ट्रंप ने G7 की बैठक को स्थगित करते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि दुनिया में जो हो रहा है उसका G7 के सदस्य देश प्रतिनिधित्व करते हैं। ट्रंप के मुताबिक अब G7 के मायने नहीं रह गए हैं। G7 के अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और जापान सदस्य देश हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप इसके जरिए चीन के खिलाफ नई रणनीति बनाना चाहते हैं। दिल्ली, मुंबई और गुजरात आतंकियों के निशाने पर हैं। इस तरह का एक अलर्ट खुफिया विभाग की तरफ से जारी किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के तीनों बड़े आतंकी संगठन लश्कर, जैश और हिज्ब एक साथ इस साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं। अगले 7 दिनों के भीतर आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। खुफिया विभाग को यह भी पता चला है कि आतंकी सड़क के रास्ते दिल्ली और गुजरात पहुंचने की फिराक में है। दिल्ली और गुजरात के कौन कौन से इलाके आतंकियों के निशाने पर है, इसका पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है। भारत में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 182,143 तक जा पहुंचा है और अब तक 86,984 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। वहीं कोरोना से 5,164 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। कुल मिलाकर भारत में इस वक्त 89,995 एक्टिव केस हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटों में भारत में 8,380 कोरोना मरीज बढ़े हैं, जो अब तक का 24 घंटे में नए कोरोना मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश के जो ज्यादातर राज्य हैं कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीजों की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है। सबसे जो खराब हालात हैं वो महाराष्ट्र के बने हुए हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मरीजों की तादाद 65,000 के पार यहां जा पहुंची है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 21,000 से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली आता है, जहां 18,549 मरीज हो चुके हैं। गुजरात चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 16,000 से ज्यादा हो चुका है। और पांचवें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 8,617 है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। और ऐसे देशों में पहले पायदान पर अमेरिका बना हुआ है, जहां कोरोना के मरीज 17,70,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 4,98,000 के पार जा पहुंची है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 3,96,000 के पार जा पहुंची है। ब्रिटेन चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,74,000 से भी ज्यादा है। और पांचवें नंबर पर स्पेन बना हुआ है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,39,228 है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 91 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 8 पुलिस अधिकारी और 83 पुलिस कर्मचारी शामिल हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़कर 2,416 तक जा पहुंची है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 26 पुलिस कर्मियों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में तेज बारिश और आंधी की वजह से काफी नुकसान हुआ है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश की वजह से तापमान सामान्य से 6 डिग्री नीचे जा पहुंचा है और इससे गर्मी से राहत मिली है। लेकिन आगरा में तेज आंधी की वजह से कई पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर पड़े। वहीं ताजमहल को भी भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक आदमी स्कूटर समेत नदी में बह गया, जिसे पुलिसकर्मी और होमगार्ड के जवानों ने बचा लिया। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में तेज बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया और इसकी वजह से नदी पर बना पुल बह गया।
उत्तर प्रदेश के आगरा में अचानक मौसम बदलने और तेज आंधी चलने की वजह से कई इलाकों में काफी नुकसान हुआ है। आगरा के ताजमहल के अंदर भी नुकसान हुआ है, जहां कई पेड़ गिर गए, जबकि पश्चिमी गेट पर कुछ हिस्सा टूट गया, जबकि इमारत के खंभे का हिस्सा भी टूटकर गिरता दिखाई दिया। वहीं टिकट खिड़की के पास भी तेज हवा से गेट का कुछ हिस्सा टूट गया। इसमें जो टिकट एरिया में पश्चिमी गेट पर जो दर्शकों के लिए जहां टिकट चेक होती है और फिस्किंग और जो डीएफएमडी गेट लगाए गए हैं, उस एरिया को काफी डैमेज हुआ है। जो फॉल सीलिंग वगैरह थी मॉडर्न स्ट्रक्चर की, वो सारा डैमेज हो गया है। कुछ डीएफएमडी भी गिर गए हैं, उन पर भी नुकसान हुआ है। और जो पश्चिमी प्रवेश द्वार है, उसका पिवट स्टोन टूट गया है, तो वो लकड़ी का दरवाजा झूल गया है। अंदर काफी पेड़ उखड़ गए हैं। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में हुई भारी बारिश की वजह से वहां एक नदी पर बना पुल बह गया और बताया गया कि तेज बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिससे बांस से बना ये पुल बह गया। इस पुल का इस्तेमाल पश्चिम मेदिनीपुर और झारग्राम के कई इलाकों में रहने वाले हजारों लोग रोजाना किया करते थे, लेकिन पुल बह जाने की वजह से अब लोगों की परेशानी में इजाफा हो गया है। हालांकि राहत की बात ये रही कि हादसे के समय पुल पर कोई मौजूद नहीं था। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक आदमी स्कूटर समेत नदी में बह गया, जिसे पुलिसकर्मियों और होमगार्ड के जवानों ने बचा लिया। बताया गया कि नदी को पार करते समय शख्स अपने स्कूटर समेत उसके तेज बहाव में बह गया, लेकिन नदी में गिरे एक पेड़ में वो फंस गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और नदी के तेज बहाव में फंसे उस आदमी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि जो नदी का तेज बहाव था, उसमें उसका स्कूटर जरूर बह गया। अन्य जो स्थानीय लोग थे वहाँ थे, उनके साथ हमने मिलकर हमारे जो होमगार्ड के दो जवान थे और हमारी जो पुलिस की टीम थी, ज़्यादा से श्रेय हमने इन दोनों को देना चाहते हैं, जिन्होंने खड्ड में जाके उनको जो है रेस्क्यू किया और उसको सेफली जो है बचा लिया गया। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ दिल्ली के चांदबाग हिंसा मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। खबर है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एसआईटी अगले दो दिन में यह चार्जशीट दाखिल कर सकती है। चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन का नाम शामिल है। ताहिर समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है। तो चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और उनके भाई शाह आलम समेत 15 लोग आरोपी हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद पर आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है। अमेरिका के मिनेसोटा में अफ्रीकी मूल के आदमी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद अमेरिका में बवाल बढ़ता जा रहा है। मिनेसोटा के बाद अब न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में भी सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने हाथ में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। ये लोग पुलिस स्टेशन के आसपास जुट गए और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने मैनहट्टन में हाईवे को जाम कर दिया और इस बीच पुलिस भी प्रदर्शन करे लोगों को आगे बढ़ने से रोकती नजर आई, जबकि कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया था। हालांकि इस बीच कुछ प्रदर्शन कर रहे लोग सड़क पर ही बैठ गए। पुलिस ने अमेरिका के 17 शहरों में 1400 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमेरिका में अफ्रीकी मूल के आदमी की पुलिस हिरासत में मौत के बवाल के बीच जारी राजधानी वॉशिंगटन डीसी में प्रदर्शन और ज्यादा भड़क गया। दावा किया गया कि सैकड़ों लोग व्हाइट हाउस के पास जुटकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन देर वक्त अचानक प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड खींचकर पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और इसी बीच एक बड़े डस्टबिन में आग लगा दी गई, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को काबू में करने के लिए मिर्च के स्प्रे का इस्तेमाल किया और इसके बाद प्रदर्शनकारी इधर उधर भागते नजर आए, लेकिन इस बीच भी कुछ लोगों ने अपना प्रदर्शन यूं ही जारी रखा। मुद्दा गरम है में आज का सवाल है, क्या दिल्ली में कोरोना से आर्थिक संकट है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ की तुरंत मदद मांगी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के मुताबिक दिल्ली सरकार के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने तक का फंड नहीं है, जबकि उसे हर महीने सैलरी के लिए ही करीब 3,500 करोड़ की जरूरत है।
ऐसे में सवाल यही कि क्या दिल्ली में कोरोना से आर्थिक संकट है, जिसके चलते उपमुख्यमंत्री की तरफ से ये मांग की गई है। दिल्ली सरकार को लगभग केवल सैलरी देने के लिए और ऑफिस के जरूरी खर्च उठाने के लिए 3,500 करोड़ रुपए हर महीने की जरूरत है, जबकि पिछले 2 महीने में जो जीएसटी का कलेक्शन है, जो टैक्सेस का कलेक्शन है, वो करीब 500 करोड़ रुपए 2 महीने है। बाकी और सोर्सेज से भी मिला के दिल्ली सरकार के पास में अभी तक कुल मिला के 1700 करोड़ रुपए आए हैं, 1735 करोड़ रुपए आए हैं, जबकि जरूरत है 2 महीने के अंदर देखें तो 7,000 करोड़ रुपए की। तो इस वक्त दिल्ली सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट यह भी है कि अपने कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे दी जाए। वैसे में मैंने केंद्र सरकार से तुरंत राहत के तौर पे दिल्ली के कर्मचारियों की तनख्वाह दी जा सके इसके लिए और दिल्ली के और बाकी जरूरी काम तुरंत ऑफिस के चलाए जा सकें, इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। तो 7,000 करोड़ की जरूरत है, फौरन जो मदद है वो 5,000 करोड़ की दी जाए, ये मांग दिल्ली सरकार की तरफ से रखी गई है। तो सवाल ये क्या दिल्ली में कोरोना से आर्थिक संकट पैदा हो गया है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से अमन पवार हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राघव चड्ढा, आपके पास आर्थिक पैकेज तो केंद्र की तरफ से दिया गया था, तो अब इस मांग को लेकर क्या उम्मीद केंद्र से? देखिए, पहली चीज तो यह है कि आपदा प्रबंध के लिए केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों को लगभग 17,500 करोड़ की कुल राशि दी, जो अब राज्यों में बांटी गई। वो देश के 29 राज्यों को दी गई, एक राज्य को वो राशि नहीं मिली, उस राज्य का नाम है दिल्ली। दूसरी चीज, जीएसटी का जो बकाया है, क्योंकि जीएसटी जो है वो केंद्र सरकार जमा करती है और फिर वो राज्यों को आवंटित करती है उनके फॉर्मूले के अनुसार, वो भी दिसंबर के महीने से लेकर अभी तक का एक भी जीएसटी का आवंटित पैसा दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया है। और तीसरी और अहम चीज, जो शेयर एंड सेंट्रल टैक्सेस होता है, यानी कि जो दिल्ली वाले इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्सेस में केंद्र सरकार को जमा कराते हैं, वो तमाम राज्यों को दिया जाता है, लेकिन दिल्ली वाले जो जमा कराते हैं, जो लगभग 2,00,000 करोड़ की राशि है, उसका कोई भी भाग दिल्ली को नहीं दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ना जीएसटी में भाग मिला, ना इनकम टैक्स का भाग मिला, और ना ही आपदा प्रबंध के लिए जो देश के तमाम राज्यों को पैसा दिया गया उसकी एक फूटी कौड़ी हमें मिली। आज ये एक संकट है, बहुत बड़ा संकट है, हर राज्य इससे परेशान है और जूझ रहा है और सबकी अपनी यही मांग है, लेकिन दिल्ली की खास करके इसलिए मांग है क्योंकि दिल्ली के साथ जो संवैधानिक रचना इस प्रकार की है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि बाकी राज्यों को तो आर्थिक पैकेज का लाभ मिला लेकिन दिल्ली को नहीं मिला, दिल्ली को नहीं मिला। आरपी सिंह जी, जवाब दीजिए, दिल्ली के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? दिल्ली के साथ बिल्कुल भेदभाव नहीं है और मैं इनके साथ तो इस बात में कि जो जीएसटी का कोई पेंडिंग है तो उनको मिलना चाहिए, परंतु ये कोई नई स्थिति नहीं है। ये ऐसा नहीं कि इनकी जानकारी नहीं था कि ये जो आज कह रहे हैं कि इतना पैकेज, इनका इनकम टैक्स, ये सब जानकारी आज दे रहे हैं। जब चुनाव में गए थे तब तो पक्षा की ठोकर कर रहे, हम तो 70% और खूब पैसा है, हम तो जितना चाहे उतना पैसा जिसको चाहे उसको दे सकते हैं। वो 3 महीने में जितनी मेरी ठीक जानकारी लगभग 150 करोड़ रुपए उन्होंने विज्ञापन पे खर्चा है। किस बात पे विज्ञापन में खर्चे कि हमारे पास कमरे नहीं है? अच्छा, कमरा ये दे नहीं रहे किसी के पास, तो दे नहीं रहे, सबको कह रहे हैं होटल में कमरा बुक करो, 3,350 रुपये होटल के कमरे का रेंट तय कर दिया, तो कहाँ पैसा खर्च है इसका कोई हिसाब दे नहीं रही है। और पैसा मांगे, मैं इनके साथ हूँ इस बात की, अगर इनकी जरूरत है उनका जायज पैसा, को जायज पैसा मिलना चाहिए। परंतु कल तक ये जो छाती ठोक कर स्कीम्स दे रहे थे, ये फ्री वो फ्री, ये कर देंगे वो कर देंगे, आज सब कहां गया? जी जी राघव, आ रहे हैं आपके पास। इस बीच बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र से 5,000 करोड़ की आर्थिक मदद मांगी, लेकिन साथ ही केंद्र सरकार पर आपदा राहत कोष से मिलने वाला फंड नहीं देने का आरोप भी लगा दिया। मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि वो दिल्ली सरकार के लिए तुरंत 5,000 करोड़ रुपए की सहायता दें, क्योंकि उन्होंने आपदा राहत कोष में से जो राज्यों को पैसा दिया है वो पैसा दिल्ली सरकार को नहीं मिला है, उसकी वजह से दिल्ली में फाइनेंशियल काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और दिल्ली के पास भी टैक्सेस नहीं आ रहे हैं, केंद्र सरकार से अदरवाइज भी कोई सहायता नहीं मिलती है दिल्ली सरकार को। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि लॉकडाउन की वजह से जो अभी आर्थिक परेशानी दिल्ली सरकार के रेवेन्यूज पर आई है,
उसको मीट करने के लिए, ताकि दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों को, अपने टीचर्स को, अपने डॉक्टर्स को, अपने इंजीनियर्स को, अपने बाकी कर्मचारियों को, सिविल डिफेंस के लोगों को, जो लोग भी इस वक्त कोरोना संकट पर काम कर रहे हैं, उन सबको तनख्वाह दे सके, इसके लिए तुरंत 5,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है दिल्ली सरकार को। राघव आपके पास आ रहे, लेकिन उससे पहले अमन पवार आपके पास, दिल्ली सरकार की फंड की मांग केंद्र से, और मनीष सिसोदिया का ये आरोप कि आपदा राहत कोष से भी हमें फंड नहीं मिला, उस पर बीजेपी का ये सवाल कि विज्ञापन के लिए पैसे हैं आपके पास, उसको लेकर जो सवाल उठा रही है, इन तमाम चीजों को कांग्रेस किस तरीके से देख रही है? देखिए, मैं आपको कुछ अहम तथ्य जो हैं वो आपके सामने रख दूं, क्योंकि 15 साल हमने दिल्ली में सरकार चलाई है और शायद बीजेपी वाले इस बात को अभी नहीं ढंग से रख पा रहे हैं। सबसे पहली बात, जो सेंटर जिस तरीके की असिस्टेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस दिल्ली को देता है, वो किसी और राज्य को पूरे देश भर में नहीं मिलती है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली पुलिस का जो पूरा खर्चा है, इस साल का दिल्ली पुलिस का बजट है 8,619 करोड़ रुपए, वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। दिल्ली एक पैसा खर्च नहीं करती और पूरे देश में एक भी ऐसी स्टेट नहीं है जिसको पुलिस फ्री में मिली हुई है। दूसरी चीज, दिल्ली में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, चाहे एम्स हो, सफदरजंग अस्पताल हो, राम मनोहर लोहिया अस्पताल हो, लेडी हार्डिंग अस्पताल हो, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट भी कर रहे हैं, उन पे केंद्र सरकार सालाना 3500 करोड़ रुपए खर्च करती है। आप हायर एजुकेशन की बात करें तो नहीं, जो नहीं, अमन पवार जी ये बताइए, आप बीजेपी के सवाल के साथ हैं, बीजेपी जो विज्ञापन को लेकर सवाल खड़े करिए, या फिर आप दिल्ली सरकार के मांग के साथ हैं और जो आरोप मनीष सिसोदिया लगा रहे हैं उसके साथ हैं? किस तरीके से मनीष सिसोदिया बरगलाने का काम कर रहे हैं कि उनको पैसा नहीं मिलता है, हाँ। मैं वो बता रहा हूं आपको। और आप हायर एजुकेशन की बात करें तो जितनी हमारे यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, इग्नू है, ठीक है, इन पर जो है केंद्र सरकार 2300 करोड़ रुपए सालाना खर्च करती है। ठीक है राघव, दोनों को जवाब दीजिए। केंद्र सरकार जो है, मेरे को पूरी बात करने दीजिए अपनी, मेरे को केंद्र सरकार जो है दिल्ली में 18,119 करोड़ सालाना खर्च करती है, 18,119 करोड़ रुपए सालाना इन सर्विसेज पे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, अमन आप आगे बताइए, राघव जवाब दीजिए, एक मिनट मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, सबके पास थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उतना वक्त नहीं है ना सर, 25 मिनट की डिबेट है, उसमें थोड़ा थोड़ा वक्त आएंगे आपके पास, आप फिर से बताइएगा, आप बताइएगा, आप बताइएगा अमन, आएंगे आपके पास राघव, अब मुझे बात रखने दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। केंद्र सरकार का कुल मिलाकर बजट लगभग 30 लाख करोड़ का है, उस 30 लाख करोड़ में से कुछ राशि अन्य स्कीमों के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से दिल्ली में खर्च होती है, कुछ बंगाल में, कुछ महाराष्ट्र में, कुछ जम्मू कश्मीर में, कुछ तमिलनाडु में, अगर इस सबको अगर राज्य के बजट से जोड़ के देखा जाए तो फिर तो राज्यों के पास पैसा की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार तो 30 लाख करोड़ रुपए भारत देश पे खर्च रहा है, जिसमें से कुछ कुछ अंश तो हर राज्य को मिल रहा है, ये बड़ी बेतुकी सी बात है। अब एम्स है, आईआईटी है, बड़े बड़े संस्थान है, वो तो अन्य राज्यों में भी है, केंद्र उसका खर्चा उठाता है, इसका ये मतलब कि राज्य को पैसा ना मिले? जो मैंने फैसिलिटी दिल्ली में वो किसी भी राज्य में नहीं है। मैंने आपके सामने जो फैसिलिटीज दिल्ली में आपको प्रोवाइड की जा रही है वो किसी भी अन्य राज्य में नहीं दी जा रही है। देखिए ये इनकी मैं बता देता हूँ, शीला दीक्षित जी 15 साल मुख्यमंत्री रही, हर साल, इनको जानकारी नहीं है शायद, नए नए कांग्रेस से जुड़े हैं, शीला दीक्षित जी हर साल अपनी केंद्र सरकार को और अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखकर कहा करती थी कि इनकम टैक्स के अंदर जो दिल्ली का हिस्सा है वो दिल्ली सरकार को दिया जाए, कोई जानकारी नहीं है। दूसरी और सबसे अहम चीज, मुझे एक चीज बस बता दें, जब 17,500 करोड़ का राहत पैकेज देश के 29 राज्यों को दिया गया तो दिल्ली के साथ व्यवहार क्यों? ठीक है, इस पर जवाब लेंगे। ठीक है राघव, आ रहे हैं आपके पास। इस बीच बता दें कि बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर विज्ञापन को लेकर किए गए खर्चों पर किस तरीके से सवाल उठाए। चिट्ठी लिखी है दिल्ली सरकार ने केंद्र को? हाँ सुनना तो है। मैं एक सवाल पूछा हूँ दिल्ली सरकार से, अभी 2 दिन हो गया, मैंने एक सवाल पूछा, मैंने ट्विटर के माध्यम से, कि दिल्ली में मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी से मेरे 2 सवाल हैं कि 22 मार्च जनता कर्फ्यू से लेके आज 29 मई तक आपने टीवी, प्रिंट और इंटरनेट पर विज्ञापन में कितने रुपए खर्च किए, और दूसरा सवाल है अस्पतालों में नए बेड्स, वेंटिलेटर्स पर कितना रुपया खर्च किया गया। ये पूरा 48 घंटा होने को आ रहा है, लगभग 2 दिन होने को आ रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिए हैं। और आप अगर अखबार उठाएं तो हर दूसरे तीसरे दिन
आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए पूरा एक पेज का फ्रंट एड, एक प्रिंट का दूसरे अखबार में फ्रंट एड, ये पूरा फ्रंट एड, ये पूरा फ्रंट एड, मतलब कोई अखबार उठाइए ना तो मतलब आपको एड में खर्च करने के लिए एक एक महीने में 100-100 करोड़ रुपए, 150-150 करोड़ रुपए आपके पास है, और आपको दिल्ली के लोगों को बेड देना हो तो होम क्वारंटाइन हो जाइए। अब होम क्वारंटाइन में तो कोई खर्चा है नहीं सरकार का। राघव आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी जावेद मंसूर हमारे साथ हैं। जावेद, जो जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, मनोज तिवारी से मांग रहे थे वो हिसाब विज्ञापन का, क्या अभी तक विज्ञापन का हिसाब सरकार की तरफ से दिया गया है, इसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? देखिए, किसी भी सरकार का एक बजट विज्ञापन के लिए होता है। दिल्ली सरकार ने इस साल कितना बजट विज्ञापन के लिए रखा है ये दिल्ली सरकार बताएगी, लेकिन विपक्ष सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो लगातार विज्ञापन सरकार अखबारों में दे रही है, लेकिन जो कोरोना से लड़ाई के लिए अब फंड मांग रही है, क्यों मांगा जा रहा है, तो इस पर कहीं ना कहीं राजनीति ज़रूर शुरू हो गई है। इसे देखना अहम होगा कि जो दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है, बड़ी बात ये कही गई है कि सैलरी देने के लिए पैसे की कमी पड़ रही है, यानी जो डॉक्टर्स हैं, जो टीचर्स 2 महीने से इस काम में लगे थे, जो राशन बांट रहे थे, स्कूल में पढ़ाई तो नहीं हो रही थी लेकिन ड्यूटी लगातार वो कर रहे थे, तो ये दलील दिल्ली सरकार ने दी है। तो अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार बीजेपी के इस पलटवार का किस तरह से जवाब देती है। राघव है हमारे साथ, राघव जवाब देंगे। राघव, मनोज तिवारी करके 22 मार्च से 29 मार्च तक जो भी विज्ञापन पर दिल्ली सरकार ने पैसा खर्च किया उसका हिसाब दें। ये एक बहुत बड़ी महामारी है, सरकार का और हर सरकार का यह दायित्व है कि अपनी जनता को जागरूक रखे, क्या एहतियात बरतनी है, क्या सिम्टम्स होते हैं, लक्षण जब देखें तो क्या करना है, कौन से अस्पताल में जा सकते हो, होम क्वारंटीन क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन क्या होता है, कोविड केयर सेंटर कहां पर है, ऑक्सीजन बेड कहां पर है। अगर सरकार ये जानकारी विज्ञापन के माध्यम से जनता को नहीं बताएगी तो यह महामारी इतना विकराल रूप ले लेगी कि किसी के संभाले नहीं संभलेगी। और एक चीज मैं चुनौती से इस चैनल पर रखना चाहता हूं, इस देश के भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के हर राज्य के बजट को एडवर्टाइजमेंट के उठाकर दिल्ली सरकार से कंपेयर कर लीजिए, उसका 1/4 हिस्सा भी दिल्ली सरकार विज्ञापन में नहीं खर्चती है। विज्ञापन के मास्टर इस देश में कौन है और कौन मीडिया को विज्ञापन देके खरीदता है वो भारतीय जनता पार्टी भली भांति जानती है। केंद्र सरकार हो या इनकी उत्तर प्रदेश हरियाणा की सरकार हो, कितना पैसा ये लोग खर्चते हैं ये भली भांति जानते हैं। यदि जागरूकता कैंपेन पे ये आरोप लगाते हैं, क्या जागरूकता कैंपेन इस बीमारी से लड़ने में कोई हथियार नहीं है? जनता को जागरूक कर रहे हैं COVID-19 को लेकर, तो इसमें बुराई क्या है? और ये तो हर राज्य सरकार कर रही है क्योंकि बहुत बड़ी महामारी है, और लोगों को अगर जागरूक किया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है, तो इसमें बुराई क्या है? मैं इनका चैलेंज स्वीकार करता हूँ, इनको वापस चैलेंज देता हूँ, अगली बार डेटा लेकर आए और ये साबित कर दे कि 3 महीने में 150 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चे, 147 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चे, बाकी जो बड़े प्रदेश में कितने पैसा खर्चा है। अगली बात यहाँ पर बात का दे रहे हैं कि हमारी शहरी थी हर बस 8,000 बेड थे, 8,000 बेड आज अतुल को कहते हैं 8,000 बेड थे, और बातें कल परसों कहते हैं कि हमारे पास एक बेड नहीं है, अपने हर घर पर होम क्वारंटाइन दो। हम पूछ रहे कि आपने वो पैसा देखिए, वो कहानी आपने सुनी होगी, आपने खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, राजा चड्ढा बीच से समझ कर मैंने आपको बिल्कुल तोड़ कर रखा, अच्छी बात ही है ये, छोड़ दो हैकलिंग छोड़ दो आप, पर इन्होंने एक ये बताया कितना पैसा जो मनोज तिवारी कितना पैसा इन्होंने मेडिकल सर्विस से खर्चा, इन्होंने एक पैसा। ठीक ठीक है, आरपी सिंह जी आएंगे आपके पास। राघव जल्दी से अगली बात जल्दी से जवाब दीजिए, फिर अमन पवार आपके पास। देखिए, एक वो पुरानी कहावत है आपने सुनी है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये लोग वो काम कर रहे हैं। आज सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आज के क्या मैं जवाब दे दूं ठीक है आरपी सिंह जी आ रहे हैं, राघव आप जवाब दीजिएगा, लेकिन इस बीच संजय सिंह ने क्या कहा है जरा वो सुन लेते हैं।
कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता मांगी है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए संजय सिंह मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद। संजय सिंह जी, आपकी सरकार है दिल्ली में, आप लोगों ने मदद मांगी है 5,000 करोड़, ये कहा जा रहा है कि आप केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। देखिए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली की आर्थिक हालात के बारे में जानकारी दी है और लगभग 85% हमारा टैक्स कलेक्शन गिरा है और ये लॉकडाउन की वजह से हुआ, वरना आप जानते हैं कि दिल्ली एक मुनाफे का बजट देने वाली सरकार है। दिल्ली का बजट जब हम आए तो 32,000 करोड़ से बढ़ा के हमने 62,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाया। तो वो दिल्ली जो हमेशा टैक्स कलेक्शन में आगे थी, जो वो दिल्ली जो हमेशा अपना बजट देने में सबसे आगे रही, वो दिल्ली जो सबको मदद करने, दिल्ली के लोगों की मदद करने के बावजूद, तमाम योजनाओं को मुफ्त चलाने के बावजूद मुनाफे का बजट देती थी, आज लॉकडाउन के कारण 85% हमारा टैक्स कलेक्शन गिरा है। आज वो हमारे सामने एक आर्थिक संकट है, लोगों की सैलरी देने का भी संकट है। तो इसलिए मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को ज़रूर मदद करनी चाहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने 5,000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है दिल्ली के लिए, अरविंद केजरीवाल जी ने भी मांगी है केंद्र से मदद, तो मुझे लगता है कि देना चाहिए। क्या आप लोगों को लगता है, आप हमेशा ये आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र दिल्ली सरकार को जो उसका टैक्स शेयर है वो नहीं देता है, आर्थिक मदद नहीं करता है, बजट में प्रावधान नहीं देता है, क्या इस बार आपको उम्मीद है कि बजट में? तो कई सालों से आप उठा के देख लीजिए, दूसरे राज्य सरकारों को देख लीजिए और दिल्ली को देख लीजिए, दिल्ली टैक्स देने के मामले में सबसे ज़्यादा, लेकिन पैसा केंद्र से पाने के मामले में बजट में जब हमारे लिए प्रावधान होता है तो 325 करोड़ रुपए ऊंट के मुंह में जीरा। अमन पवार, आपके पास, संजय सिंह कह रहे हैं कि टैक्स देने के मामले में हम सबसे ज्यादा, लेकिन कोविड के चलते 85% टैक्स कलेक्शन हमारा घटा है, जबकि हमारे पास इतना बजट था कि हम तो मुफ्त में योजनाएं चला रहे थे, लेकिन अब आर्थिक संकट है, अब केंद्र को मदद करनी चाहिए। देखिए, आपके दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि जो टैक्स कलेक्शन की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात देश में 3 सबसे बड़े राज्य हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन करते हैं और केंद्र को देते हैं, और जो सबसे ज्यादा पैसा केंद्र खर्च करता है तो वो यूपी, बिहार, झारखंड जैसे प्रदेशों में करता है। इसका एक फॉर्मूला है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है, ये जितना टैक्स कलेक्शन होता है और जितना खर्चा जिस राज्य में करा जाता है इसका कोई लिंक नहीं होता। दो चीजों पे इस चीज को नापा जाता है, एक तो है पॉपुलेशन और दूसरा जियोग्राफिकल एरिया, की स्टेट का एरिया कितना बड़ा है। तो राघव चड्ढा और इनको, संजय सिंह को कहिए, होमवर्क कर करके आए आपके टीवी चैनल पे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के समय 23 करोड़ रुपए सालाना एडवर्टाइजमेंट बजट होता था कांग्रेस सरकार का, आम आदमी पार्टी ने उस बजट को बढ़ा के 240 करोड़ रुपए कर दिया और उसके लिए आपने डीजल पेट्रोल पे टैक्स बढ़ा दिया, आपने शराब पे टैक्स बढ़ा दिया, सारा पैसा आपने अपनी वाहवाही में उड़ा दिया और फिर आप कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा, सुन लीजिए राघव, जिन लोगों को फाइनेंस कमीशन की ज्यादा जानकारी नहीं है उनके लिए बताना चाहूंगा कि एक फॉर्मूला शांत हो जाइए, एक ग्लास पानी। देखिए, फाइनेंस कमीशन की जहां तक बात है मैं बता देता हूं, लोगों का ज्ञान को दुरुस्त कर देता हूं, एक फॉर्मूला फिक्स होता है और हर राज्य को एक रेशियो फिक्स्ड है, 49% होता है या 39% का रेशियो फिक्स होता है, वापस जो कम से कम स्कूल और कॉलेज चले जाएंगे वापस, किस तरीके से फाइनेंशियल कमीशन रेशियो फिक्स होता है उसकी पढ़ाई करके उस रेशियो पर भी दिल्ली सरकार शांत करा दे तो मैं जवाब, बरगलाइए मत, इनको शांत करा दीजिए, कम मौका मिलता है। अच्छा अमन, किस तरीके से पैसा, अमन आप सुन लीजिए, आप एक बार सुन लीजिए राघव, बहुत संक्षेप में, उसके बाद आरपी सिंह आपके पास, ठीक है अमन, अमन अभी आएंगे आपके पास एक बार फिर से राघव। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को मौका नहीं मिलता है आजकल बहस में आने का, तो कोई बात नहीं, इनको बुलाया करिए आप थोड़ा, नहीं तो वैसे हैकलिंग करते रहते हैं। जहां तक बजट की सवाल है, दिल्ली सरकार जब आई थी सरकार में, जब आम आदमी पार्टी बंद हो गई है तो मीडिया पे मत आरोप लगाइए, बने थे, हमने बजट को 100% बढ़ा दिया। ये अभी संजय सिंह जी जो बता रहे थे, 30,000 करोड़ रुपए का बजट था हमारा जब आज से 5 साल पहले हमने सरकार बनाई थी, हमने दिल्ली सरकार की आमदनी बिना केंद्र सरकार के मदद के 30,000 से 62,000 करोड़ जो आपने खर्चा किया उसमें लाखों करोड़ बिना टैक्स बढ़ाए हमने इतना पैसा बढ़ा दिया। अब बात यह है कि यदि केंद्र सरकार आज तमाम राज्यों की मदद करने के लिए इच्छुक है तो दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। दिल्ली को ये लोग कहते हैं दिल्ली राज्य नहीं है, अरे दिल्ली ना भी राज्य हो, दिल्ली भारत का हिस्सा तो है, हम इस देश के नागरिक तो हैं, जो 2 करोड़ की आबादी वाला राज्य है जिसमें 2 करोड़ लोग रहते हैं, क्या वो भारतवासी नहीं है?
वो भारत के लोग हैं, उनकी सहायता होनी चाहिए। और मैं तो खुद आपके चैनल पर ये बात रखना चाहूंगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद हर वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री जीओं से, सारे मुख्यमंत्रियों से सलाह मांगते हैं, इस देश के हर मुख्यमंत्री ने, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी ये बात कही कि हमें आर्थिक पैकेज राशि मिली, केवल हमें आ रहे हैं उसके बाद आपके पास। ये जो सौतेला, जो सौतेला व्यवहार दिल्ली वालों के साथ हो रहा है, ठीक है राघव, बंद करिए झूठ बोलना, बस इतना कहना। आरपी सिंह, अपनी पार्टी के अंदर जो अकाउंट उसका घोटाला गप्पा करते हैं, उसको पकड़े भी गए गरीब और वो घोटाला गप्पा करते हुए उन्होंने इलेक्शन अपने पार्टी के फंड रखे, पर यहाँ नहीं चढ़ता चढ़ता, ये सरकार का मामला है। और आप जरा जानकारियां पूछा कर करें, सरकार ने आपको जितनी जरूरत है उसके पैसे दिए, और भी जो जरूरत होगी देगी, परंतु सुनिए, अरे सुनिए आप बोले, राघव चड्ढा बीच में मत चौका करिए, अरे घोटाले बाद, अरे घोटाले बाद चार्टर अकाउंटेंट कितना पैसा दिया सर, सुनोगे घोटाले बाद चार्टर अकाउंटेंट के ऊपर आपकी पार्टी के घोटाले बाद सरकार को दिया बताइए, सरकार के घोटाले बाद की मत पढ़िए आप, सुनिए जवाब ले लीजिए आप, हकीकत हकीकत ये है कि दिल्ली सरकार का आर्थिक जवाब ले लीजिए, इन्होंने तीन महीने में कितना पैसा लोगों पे खर्चा, इन्होंने जो सरकार ने इनको केंद्र से राशन दिया और राशन तक बांटा नहीं इन्होंने, इनको स्टेट केंद्र ने कोई राशन नहीं दिया, इन्होंने इन्होंने इनको इनको ये भी झूठ की केंद्र ने राशन दिया, कुल मिलाकर अपने आप दिल्ली सरकार ने राशन मुहैया कराया, केंद्र ने राशन दिया ना पैसा दिया ना दवा दी ना दूध दिया, यूपी और बिहार से मांग लिए, चलिए ठीक है, राशन में विफल हो चुकी है, ठीक है। आरपी सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, राघव आपका, अमन पवार आपका और